So hi everyone, and once again a very good evening to all of you. Welcome back to the channel. You must have read the thumbnail. Yes, we are launching the NABARD Grade A 2024 live course. The course has already been launched on the website. But wait, आपको मेरे पीछे एक टाइम टेबल दिख रहा होगा. So you must be wondering, where is the course detail? Don't worry, I will be telling all the course details. But before that, remember, launching a course is not enough. It's our responsibility, it's my responsibility, it's our team's responsibility to give you a strategy as well. So I am here with a 6 months comprehensive timetable, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा, right? You are not going to get this timetable anywhere. Nobody is going to give you this timetable, this much comprehensive timetable for NABARD Grade A 24 examination, right? So first, I am going to discuss with you this comprehensive timetable. I will explain you this timetable actually, कि इसमें कहां पे कौन सी चीज क्या है, and then I will tell you in detail about the course, right? So let's begin with it without any delay. I will again take your 10 to 12 minutes, and then आप अपने घर और मैं अपने घर. चलो जी, तो ये है मंथली टाइम टेबल. आप ये देख सकते हो, दिस इज एन एक्सेल शीट. देर आर सिक्स मंथ्स, राइट? सिक्स शीट्स आर देयर. द स्लॉट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉर्निंग एंड इवनिंग. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी स्टडिंग टू टाइम्स अ डे, वंस इन मॉर्निंग एंड सेकेंड इन द इवनिंग, राइट? एंड इन द फॉर सम सर्टेन मंथ्स, मॉर्निंग स्लॉट हैज ऑल्सो बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट? ऑल्टरनेटिवली कर दिया है मैंने, अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा. इसी तरीके से सेकेंड मंथ है, फिर थर्ड मंथ है, इसी तरीके से फोर्थ, फाइव एंड सिक्स. और इन छह महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है, अलॉन्ग विद द रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट एंड यू नो, यस, अलॉन्ग विद द रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट एंड वीकली टेस्ट. ठीक है जी, तो चलो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस टाइम टेबल, व्हाट दिस टाइम टेबल इज. सो आई एम स्टार्टिंग द लाइव क्लासेस ऑफ ESI फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, राइट? आई विल बी टेकिंग द ESI लाइव क्लास फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. तो ESI बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंक है. ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, डेफिनेटली, डिपेंडिंग ऑन यू नो देर आर वेरियस इश्यूज. कभी मैं बीमार हो गया, कभी लाइट चली गई, कभी कुछ हो गया. सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट सिंक में रहेगा. ठीक है, बिकॉज आई हैव द टेंडेंसी नॉट टू मिस एनी क्लास, राइट? अनलेस की बहुत ही ज्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. तो हियर देर आर थ्री कॉलम्स, राइट? इन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज यू कैन सी हियर देर आर थ्री कॉलम्स. The first column is the syllabus provided by NABARD. The second column is the chapter that I will be teaching you in the course. And in the third column, all the topics in detail. For example, जैसे NABARD अगर for example लिख देता है, right? अब उसने तो लिख दिया national income, national economy and individual income. So you must be wondering now that what all I have to study in this particular topic. So those topics have been written here. So you can see whether you want to buy a course or not. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो you can use this timetable for your self study. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोर्स लेने पे ही हेल्प करेगा. आपको अपने आप भी पढ़ना है, then you can make use of this timetable, right? So this part of the syllabus is covered in this chapter of our course, National Income Accounting, and you can follow any standard book to cover these chapters as well, right? सिमिलरली, अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं विच आर नॉट डायरेक्टली मेंशन इन द सिलेबस, बट दैट आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट, वेरी बेसिक चैप्टर वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासिकल एंड कीनीजियन इकोनॉमिक्स, क्लासिकल एंड कीनीजियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? बट दिस इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन द सिलेबस. बट येस, इफ यू वॉन्ट टू मूव अहेड, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द अदर चैप्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एज वेल. ठीक है, तो इसी तरीके से चलता रहेगा. एंड ESI मैंने यहां पे देखो, आपने देखा होगा यहां पे गैप छोड़े हुए, ऑल्टरनेट डेज पे आपको ESI पढ़ना है. ठीक है, सो सिमिलरली ESI विल गो अहेड. बीच में आप लोगों को एवरी 15 डेज मैंने एक दिन रिविजन का दिया है, राइट? आई हैव अलॉटेड वन डे फॉर रिविजन एंड वन डे फॉर प्रैक्टिस टेस्ट. एंड जिस दिन आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे, उस दिन आप बाकी दिन टेस्ट लगा के बाकी दिन करोगे चिल, राइट? बिकॉज चिल करना भी जरूरी है, उसके बिना बर्न आउट हो जाओगे एक महीने में ही, फिर कहोगे कि ये सिलेबस कंप्लीट हो क्यों नहीं रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, लगातार नहीं पढ़ना है. यू नीड टू गिव योर सेल्फ सर्टेन अप्रोप्रिएट ब्रेक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट?
इसी तरीके से फिर ये ESI चलता रहेगा. हेयर द सिलेबस ऑफ नबार्ड इज मेंशन, हेयर द चैप्टर नेम वेयर आई विल बी टीचिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड हेयर द टॉपिक्स इन डिटेल व्हिच यू हैव टू कवर इन दैट चैप्टर. राइट नाउ अगेन 25-26 डे पे फिर रिवीजन है. ये मैंने आप लोगों को इसमें लिख दिया है, आपको ये टाइम टेबल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, अभी देखो पहले समझ लो. अब ऑल्टरनेटिवली क्योंकि हमने इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज शुरू करा है एंड इकोनॉमिक सोशल इश्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पेपर इज द गवर्नमेंट स्कीम. तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि ओके लेट्स स्टार्ट गवर्नमेंट स्कीम्स अलोंग विद द सिलेबस, स्टैटिक सिलेबस ऑफ ESI. तो ऑल्टरनेटिवली ऑन डे वन यू नीड टू कवर द स्टैटिक पार्ट ऑफ ESI, ऑन डे टू यू विल बी डूइंग गवर्नमेंट स्कीम्स. Another, again, day 3, ESI static, day 4, government schemes, PDF part 1. Now, those who have not enrolled in the course, you guys can list out the names of the scheme, which I have provided in various videos, and you can start reading those schemes from the Google. And I have made a how to cover government schemes video. You can have an idea that how you guys can cover the government schemes. The students who are enrolled in the course, you need to study from the government schemes PDF, part 1, part 2, and part 3. ठीक है, दिस इज द मॉर्निंग सेशन. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन द इवनिंग, इन द इवनिंग यू हैव टू डू क्वांट, ठीक है, फर्स्ट देन रीजनिंग. इवनिंग में मैंने आपके लिए फेस जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स है बस उनके लिए टाइम दिया है. ठीक है, और उसके लिए भी मैंने बहुत टाइम दिया. यू कैन सी क्वांट को मैंने दिए 2 महीने, रीजनिंग को भी दिए 2 महीने, विच आई बिलीव इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ. उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए. राइट, सो नंबर सिस्टम्स. अब देखो नंबर सिस्टम को मैंने 3 दिन दिए तुम्हें. ठीक है, पहले दिन यू विल बी डूइंग द कॉन्सेप्ट्स, सेकंड डे यू विल बी डूइंग द इजी क्वेश्चंस, एंड थर्ड डे यू विल बी डूइंग द मॉडरेट क्वेश्चंस. एंड इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है, नथिंग मोर देन दिस इज रिक्वायर्ड. सिमिलरली सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट डे यू विल बी डूइंग द कॉन्सेप्ट, सेकंड डे यू विल बी डूइंग इजी क्वेश्चन, एंड थर्ड डे यू विल बी डूइंग द मॉडरेट क्वेश्चन. ठीक है, एंड यू कैन सी इन द इवनिंग ये आपको 1 घंटा करना है बस, quant, reasoning, computer, जो भी होगा you need to do for 1 hour. And for another 1 hour, you need to devote to the current affairs. Spotlight plus PIB 247 plus ARD current affairs. ARD current affairs monthly PDF, एक दिन में करके खत्म की जा सकती है. तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. What all you have to do is spotlight plus PIB 247 daily. Daily half an hour spotlight, half an hour PIB 247, or you can do alternatively as well. One day spotlight, one day PIB 247, whatever suits you. ठीक है, ये आपको रोज करना है consistently अगले 6 महीने तक, starting from the month of January, ये आपको करना ही है. इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता. Right? Similarly, अब next month पे आते हैं. Next month में अब आप देखोगे again, morning में you will be doing ESI and government schemes alternatively, and evening में you will be doing quants and current affairs. ठीक है, इसी तरीके से थर्ड मंथ में जब आप पहुंचते हैं तो थर्ड मंथ में भी यू विल बी डूइंग ESI एंड गवर्नमेंट स्कीम्स अल्टरनेटिवली ऑन अल्टरनेट डेज, एंड इन द इवनिंग यू विल बी स्टार्टिंग द रीजनिंग फ्रॉम द थर्ड मंथ. यू विल बी स्टार्टिंग रीजनिंग. 2 महीने बहुत है क्वांट के लिए, बिकॉज इट्स क्वालिफाइंग एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज नॉट टू डिफिकल्ट. राइट, एंड इन द इवनिंग अगेन यू विल बी डूइंग द करंट अफेयर्स. ठीक है, मंथ नंबर 4. So we will be covering the entire syllabus of ESI till March. March end तक हम लोग खत्म कर देंगे. और यहाँ पे मैंने month का नाम इसलिए नहीं लिखा है because so many of you will be starting late as well. तो अगर कोई फरवरी से start करता है तो उसके लिए month 1 February हो जाएगा. If somebody is starting from the month of March, then उसके लिए month 1 March हो जाएगा. So you can adjust accordingly. That's why I haven't mentioned the name of the month. Now in the fourth month, you will be starting ARD. ARD के भी अगेन सेम पैटर्न है. Here the syllabus of NABARD is mentioned, chapter in the course and topics that you have to cover. ठीक है, इसी तरीके से ये चलेगा पूरा. बीच में ऑब्वियसली आपको रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट का टाइम दिया हुआ है और ब्रेक का भी अप्रोप्रिएट टाइम दिया है. एंड इन द इवनिंग रीजनिंग चलेगा और करंट अफेयर्स चलेगा फोर्थ मंथ में. राइट, और रीजनिंग आपका खत्म हो जाएगा. अब रीजनिंग जब आपका खत्म हो जाएगा और जब क्वांट आपका खत्म हो जाएगा, मैं आपको सेकेंड मंथ में दिखा देता हूं. जब आपका क्वांट खत्म होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वांट को छोड़ देना है. वी विल स्टार्ट रीजनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, बट डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट वीकली टेस्ट ऑफ क्वांट और एल्स यू विल फॉरगेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स. यू नीड टू डू द वीकली टेस्ट. वीकेंड का इस्तेमाल करना है बहुत अच्छे से. ऑलराइट, सिमिलरली मंथ 4 में आप देखोगे
रीजनिंग खत्म हो गया है तो दैट डजंट मीन कि अब आपने रीजनिंग और क्वांट को छोड़ दिया. इट डजंट मीन दैट यू हैव लेफ्ट द क्वांट एंड रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीटली. दिस शुड नॉट बी द आइडिया. द आइडिया इज टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन थ्रू द वीकली टेस्ट. सिमिलरली व्हेन वी गो टू मंथ 5 यू विल हैव टू डू इन द मॉर्निंग ओनली एआरडी एंड डेली आपको एआरडी पढ़ना है. नो अल्टरनेटिव्स हियर. And in the evening, now in the evening we are done with quantum reasoning. So I have provided you to, I have, you know, provided in this timetable that you will be covering the annual surveys like periodic labor force survey, NFHS 5, union budget, right? Niti Aayog multidimensional poverty index, all of these. So daily you will be doing it, theek hai, in the month number 5. Theek hai, yahan pe ye khatam ho jayega, uske baad aapko thoda sa aaram karna hai. और डेली शाम को करंट अफेयर्स तो आपका चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए. जैसे ही आपका एनुअल सर्वे खत्म होगा यू विल बी पिकिंग अप एआरडी रिपोर्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव अलॉटेड एम्पल नंबर ऑफ डेज फॉर द एआरडी रिपोर्ट्स एंड एनुअल सर्वेज एज वेल. फिर लास्ट मंथ पे हो गया मंथ नंबर 6 पे, तो मंथ नंबर 6 में आपका एआरडी खत्म होगा जाके एंड शाम के समय अगेन एआरडी रिपोर्ट्स चलेगा पहले. ठीक है, पहले एआरडी रिपोर्ट चलेगा, देन डिसीजन मेकिंग. यस, डिसीजन मेकिंग आपको करना ही है. तो डिसीजन मेकिंग को भी मैंने लगभग 7-8 दिन दिए हैं और कंप्यूटर अवेयरनेस को भी. सो इन द 6th मंथ यू विल बी डूइंग दीज टॉपिक्स एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द इवनिंग यू विल बी डूइंग द करंट अफेयर्स विदाउट एनी डाउट. ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका सिलेबस यहां पर जो है वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद यू विल बी डूइंग रिविजन. एंड अगर हम इस टाइम टेबल को, लेट्स से वी स्टार्ट following this timetable from the month of January, so by the end of June you will have, you know, this your syllabus, your entire syllabus will be completed and you will be all set for the examination. So yahan pe buffer bhi hai. So if anybody is starting from the month of February, let's say, or March, let's say, then as per the recent trends, as per the last 2-year trends, the examination is not going to held before September. But obviously anybody who is starting early will have an early bird advantage and that person, that candidate will have more chance to clear this examination. Why? Because that person will have more time to revise the content, because completing syllabus will not help you in clearing the examination. Examination mein jo aapki madad karta hai, that is revision and not completing the syllabus. If you have completed the syllabus, it doesn't matter at all, but how much time you have revised it, that matters, you know, सबसे ज्यादा वही मैटर करता. ऑलराइट, सो दिस वॉज द 6 मंथ्स टाइम टेबल. नाउ लेट मी क्विकली टेक यू टू द कोर्स डिटेल्स. अब हम कोर्स डिटेल पे आते हैं कि क्या क्या कोर्स डिटेल्स है. ठीक है जी, फिर हम मैं आपको दिखाता हूं कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा. राइट, यस. सो नबार्ड ग्रेडेड 2024 2 कोर्सेज आप विल लॉन्च, फेज 1 प्लस फेज 2 कंप्लीट कोर्स and phase 1 GA plus phase 2 complete course. So what you will be getting here? Number 1, you will be getting the live classes. From January, I will be starting the ESI live class. For ARD, we will be conducting the live class once the notification is out. Live classes chalengi, theek hai? PIB ki live class already chal rahi hai YouTube pe, right? Quant and reasoning ki live class already start ho chuki hai. The live classes of quant and reasoning have already been started. So, if you want to enroll in this course, this is the right time. Iske alawa, answer writing ke practice session you will be getting. Answer writing practice session, you will get the answer writing practice session. Right? What you will get? 10 mock tests each for phase 1 and phase 2. And yes, again, what you will get? Personalized feedback from the teachers for your answers. And last but not the least, we are providing the comprehensive mentorship sessions. Abhi Saturday ko maine RBI ke liye liya tha and people have actually enjoyed it. You can ask from your fellow students about my mentorship session which I have taken on the last Saturday. You will have an idea that what all you are going to have. Theek hai, mentorship session mein aapko maza aa jayega. Personally, jo doubts hai aap logo ke wo sare yahan pe clear hote hain and jo bhi tips and tricks hai उसके बारे में सारी जानकारी दी जाती है. इफ यू वॉन्ट टू एनरोल इन दिस कोर्स गाइस, देन वॉट इज दी प्रोसेस? यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर 9999466225 फॉर मोर क्वेरीज, और यू कैन विजिट द वेबसाइट anujindal.in टू बाय दिस कोर्स, टू परचेज दिस कोर्स, टू एनरोल इन दिस कोर्स. ठीक है जी, तो ये था नबार्ड ग्रेडेड 2024 का प्लान और अब जनवरी से लग जाएंगे हम लोग. रिमेंबर
From the first week of January, I will be starting the ESI live class. You will feel the magic of ESI live class. Trust me. मजा आएगा. हम लोग मिलके ESI को समझेंगे और फोड़ेंगे. Right? तो मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में. और जो टाइम टेबल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. You guys can download it and make use of it. Whether you want to buy the course or not, it's up to you absolutely. But you can make 100% use of that timetable. I wish you all the best for your preparation. Thank you very much. Goodbye. Take care. And God bless.